हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव एंटरटेन यूट्यूब चैनल। लव एंटरटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो टिप्स के बारे में, जिनको करने के बाद आप अपने पार्टनर की रातों की नींद को उड़ा पाएंगे, उसको रात दिन तड़पा पाएंगे, उसकी रातों की नींद को उड़ा देंगे। दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, यह वीडियो गर्ल्स बॉयज दोनों लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है, अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन है, वो ये है कि पार्टनर की रातों की नींद को कैसे उड़ाएं। इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन मकसद यही है कि पार्टनर की रातों की नींद को कैसे उड़ाया जाए। दोस्तों, तो वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखते रहो। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं पहली जो टिप्स है, पहला जो साइकोलॉजिकल तरीका है वो ये है कि रोस्ट एंड बेस्ट। यहाँ पे देखिए, ग्रेटर डेन वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है, यानी कि रोस्ट लेस देन और ग्रेटर देन बेस्ट। यानी कि इसका सिंपल और सरल भाषा में आपको बताएं, सबसे ख़राब और सबसे अच्छा आपको अपने पार्टनर के साथ पहले दिन करना है रोस्ट, यानी कि सबसे ख़राब करना है, अपनी सारी एक्टिविटी को बंद करना है, अपनी सप्लाई को रोक देना है। यानी कि आपका पार्टनर कॉल भी करे तो उसको पिक नहीं करना है, मैसेज करे तो उसको जवाब नहीं देना है, सारी कॉल को आपको उठाना नहीं, और आप ऑनलाइन है तो उस वहाँ पे आप ऑफलाइन हो जाए। यानी कि उस दिन आपको सबसे ख़राब रोस्ट करना है, सबसे ख़राब करना है, और उस रात 24 घंटे, रात और दिन 24 घंटे आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी जवाब नहीं देना है अपने पार्टनर को। तो इस तरह से आपके पार्टनर के माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे, वो उतना तड़प उठेगा आपके लिए, यानी कि उसके माइंड में इस तरह के थॉट्स आएंगे कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, क्या हो गया, आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, या मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह के थॉट्स आते रहेंगे, ये इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगले दिन से आपको कुछ बेस्ट करना है, अगले दिन से 100% आपको बेस्ट करना होगा, यानी कि ग्रेटर देन बेस्ट, सबसे अच्छा करें आप। तो इस तरह से आपको सबसे पहले बेस्ट करने से पहले आपको एक वैलिड रीज़न बताया हुआ, जाहिर सी बात है कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ तो होगा क्योंकि आपने एक दिन पहले उसकी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपको पहले वैलिड रीज़न उसको बताना होगा। वो आपको जैसे कि आप बता सकते हैं, कई बार गए थे और वहाँ पे आपका ज़रूरी काम था और फ़ोन काउंटर पे जमा हो चुका था, या बोल सकते हैं कोई और वैलिड रीज़न, बोल सकते किसी ज़रूरी काम से आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाए, घर पे आए बहुत ज़्यादा थक चुके थे और फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था, या कुछ भी वैलिड रीज़न आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद आपको अपने पार्टनर को मनाना भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात वो आपसे नाराज़ होगा, तो आपको उसको इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस करने के लिए आप बोल सकते हैं कि सॉरी यार, कल मैं आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया, तो बट आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कल के लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, आपसे लिए बहुत आई एम सॉरी दोस्त। तो इस तरह से आप उसको इम्प्रेस कर पाएंगे, तो इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आपको आपने क्या किया, पहले आपने रोस्ट किया, रोस्ट करके उसके रातों की नींद को आपने पहले उड़ा दिया, उसके बाद आपने कुछ बेस्ट किया और इम्प्रेस किया, उसको मना लिया है। तो इस तरह से आपने उनको रोस्ट करके और फिर बेस्ट किया, उनको मतलब उनके रातों की नींद को उड़ा दिया, फिर उनको मना लिया। तो इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करके आप उनकी रातों की नींद को उड़ा पाएंगे। दोस्तों, तो ये फार्मूला थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑड लिस्ट में आएगा दोस्तों। तो इसको पहले रिस्की होगा, आप अपने समझ लीजिए कैसे क्या अप्लाई करना है, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की, बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है, कपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फार्मूला है, ये इतना रिस्की नहीं होगा, इसको आप सरल तरीके से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, डबल मीनिंग टॉल्क, यानी कि अपने पार्टनर से आप डबल मीनिंग टॉल्क करिए, डबल मीनिंग टॉल्क की बातें करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। आप कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है, इफ़ेक्टिव टिप्स है। इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है, इसके पहले फ़ायदे जान लेते हैं। इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि आप डबल मीनिंग टॉल करेंगे
तो आपका जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। और इसका डबल मीनिंग टॉल का फायदा एक ये भी हो सकता है कि ये इसको वही कर पाएगा जो कवरेज करना आता होगा जिसको, यानी कि कोई भी वर्ड आपने ऐसा बोला, कोई भी ऐसी बात कही तो उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट्स आएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर में आते रहेंगे कि आप पता नहीं कुछ किस तरह से आप कुछ नया कर दें। तो आपका कहने का मकसद तो सीधा सीधा होगा, कोई बात सीधे सीधे कहेंगे, लेकिन घुमा फिरा के उसकी मीनिंग कहीं और, मतलब उसका इंटेंशन कहीं और जा सकता है। तो उसको कुछ पता नहीं होगा आप मतलब बोल क्या रहे हैं और आप क्या उसमें समझा दें। तो एक्सप्लेन करने वाला बंदा होना चाहिए। डबल मीनिंग टॉक करने से आपको टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टॉपिक सर्च मारते हैं यूट्यूब पे कि पार्टनर से बातें कैसे करें, क्या क्या बातें करें, तो डबल मीनिंग टॉक करना सीख लिया आपने तो आपको टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये करना कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं और अपने पार्टनर से कहा मेरे को किस एक चाहिए है? तो आपका पार्टनर बोलता है कि नहीं, किस नहीं मिलेगी। आप बोल रहे हैं प्लीज प्लीज मेरे को किस आज चाहिए है? तो पार्टनर बोलता है चलिए ठीक है ले लीजिए। तो आपने यहाँ पे डबल मीनिंग टॉक में बोला कि आज मेरे को लिप किस नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और ही चाहिए। मतलब आपका इंटेंशन ये हो गया डबल मीनिंग टॉक का, तो आपका पार्टनर समझ जाएगा। तो इस तरह से उसके माइंड में इस तरह के थॉट्स आएंगे कि आप पता नहीं क्या एकदम नया कर दें। मतलब आपका इंटेंशन तो सीधे सीधे है लेकिन उसमें कुछ और ही हो। तो इस तरह से आपका पार्टनर ये समझेगा आप बहुत स्मार्ट, ये अच्छी अच्छी बातें आप लाते कहाँ से, इतनी स्मार्टनेस आप कहाँ से लाते हो, ऐसी बातें आप कैसे करते हो। तो इस तरह से डबल मीनिंग टॉक से आप अपने पार्टनर की 100% रातों की नींद को उड़ा पाएंगे, वो आपके बारे में ही रात दिन सोचता रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये डबल मीनिंग टॉक फार्मूला अप्लाई करिए और बहुत ही सरल सिंपल भाषा में इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सही तरीके से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कोई ज़्यादा ये कठिन नहीं है, कोई रिस्की नहीं है, इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनर से बातें करते करते डबल मीनिंग टॉक बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दो आपको टिप्स बताई हैं, आई होप या दोनों टिप्स आपको समझ में आ गई होंगी। और एंड में बात करते हैं, इस वीडियो एंड में आपको बताते हैं, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और एंड में, अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी ऐप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।